भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार है। और आज बात कर लेते हैं अजय बोस जी की, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, और उन्होंने एक आरटीआई डाली थी रक्षा मंत्रालय के तहत चलने वाली एक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ये कंपनी ईवीएम्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। उन्होंने इस कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी सूची मांगी, उस सूची में से नाम क्या निकले, 7 नाम निकले, जिसमें से 4 ऐसे लोग हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं। ये कंपनी जिसका नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इनके ये जो 4 नेता हैं भाजपा के जो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से और आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के शुरू कर देते हैं, डॉक्टर पोडाला वेंकटा पार्थसारथी, जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और आंध्र प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष। कचहरिया मनसुख भाई श्यामजी भाई, जो राजकोट गुजरात भाजपा के अध्यक्ष। डॉक्टर शिवनाथ यादव, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, और श्रीमती श्यामा सिंह जी, जो बिहार भाजपा की उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आते हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इतने सवाल उठने पर वहाँ पर एक्सपर्ट्स को बैठाया जाता और कम से कम भाजपा के नेता जो हैं उनके नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सूची में ना आते। अब ज़रूरी है कि इन 4 लोगों को यहाँ से हटाया जाए और ईवीएम पर जो सवाल लोगों के हैं उन पर कम से कम सरकार बताए तो सही कि उनका क्या है जवाब। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, मोदी जी का ये स्टाइल है कि वो चुप रहते हैं, कोई बके कोई, अब समझे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनता पूछ रही है सवाल, कब मिलेगा इसका जवाब, कोई उम्मीद मत रखिए, पर पूछते रहिए सवाल, क्योंकि यही लोकतंत्र में आपका और मेरा है अधिकार। जवाब इनको देना पड़ेगा।